शिविक वैष्णव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेके आए नाश्ता, और इतना बढ़िया बनेगा नाश्ता है। बस कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं, बस दो चीज़ों का यूज़ करना है। उसके लिए देखिए मैंने साबूदाना लिया है और इसको पाउडर में बना लूँगी। देखिए पाउडर कर लिया मैंने इसको। और अब हम 3-4 मीडियम साइज़ के आलू लेने हैं। 4 ले लीजिए और उसको उबाल कर कद्दूकस कर लीजिए। और इसके बाद आपको ऐसे सादा नहीं फोड़ने, नहीं तो वो उसमें गुठली सी रह जाती है। और अगर आप कद्दूकस करेंगे तो वो अच्छे से मिक्स होगा और फिर हमें बनाने में भी असुविधा नहीं होगी। तो इस तरह से हमें कद्दूकस करने के बाद आलू को, और हमें ये पाउडर इसमें मिक्स कर देना है। और अब हम नमक डाल देंगे, और इसके बाद हम थोड़ा सा नमक डालने के बाद कसूरी मेथी लेंगे और उसको हाथ से थोड़ा सा रगड़ के, और तब मेथी को आप ऐड करिए तो देखिए खुशबू कुछ अच्छी और आती है, खुशबू बढ़ जाती है। और उसके बाद हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। चिली फ्लेक्स आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ज़्यादा या कम। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने हाथों से, जैसे आटा लगाते हैं वैसे। देखिए अगर वीडियो आपको मेरा ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। और देखिए मैंने इसको बनाने के बाद 15 मिनट रख दिया था। उसके बाद मैंने एक लोई ली और उसको मैंने पतला पतला बेल लिया। और उसके बाद मैं अब कटिंग करने जा रही हूँ। और इस तरह से कटिंग करने के बाद आप देखिए छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। और इसको हम एक एक करके डालेंगे ऑयल में। इधर कढ़ाई में ऑयल डाल के मैंने इसको गर्म कर लिया है और उसमें हम एक एक पीस करके छोड़ेंगे। और फिर देखिए तलने के बाद ये एकदम फूल जाएंगी। देखिए इसका हर पीस फूलेगा। और देखिए ऊपर से इतना क्रिस्पी है और अंदर से इतना सॉफ्ट बनेगा। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और ना अच्छा लगे तो आप वो भी बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब देखिए मैं इसमें मैगी मसाला ऐड करके अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। और उसके बाद इसका टेस्ट जो होगा ना एकदम मज़ेदार, एकदम शानदार। देखिए देखने में तो इतना अच्छा है और खाने में तो और भी ज़्यादा अच्छा। थैंक यू।